Hello students, good morning to all of you. Welcome in my class. We already discussed about our very short answer type questions, short answer type questions. Now we are discussing about long answer type question. Okay, write the steps to improve agriculture production. Okay, our first question is write the steps to improve agriculture production. जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ठीक है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है स्टेप्स हैं वो बताने हैं. ओके देन आवर आंसर इज स्टेप्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. ठीक है एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए अपन कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं. ओके टू यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर शुड बी डिक्रीज्ड एंड यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर शुड बी इंक्रीज. अपने को क्या करना है जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उनको क्या करना है डिक्रीज करना है उनको कम करना है और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उनको क्या करना है अपने को इंक्रीज करना है. ठीक है अब एक तो ये हो गया. नेक्स्ट द क्रॉप शुड बी वेल इरीगेटेड. जो क्रॉप है अपनी वो वेल इरीगेटेड होनी चाहिए एंड शुड नॉट बी ओवर इरीगेटेड. और जो अपनी जो क्रॉप है वो ओवर इरीगेटेड नहीं होनी चाहिए. ठीक है क्योंकि अगर ज़्यादा पानी अगर आप उसमें डाल दोगे तो भी क्या होगा उसमें हार्म होगा आपकी जो क्रॉप है उनको. द सोइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल एंड द शीड्स मस्ट बी शॉन प्रॉपरली. ठीक है तो जो सोइल है वो भी क्या है अच्छे से प्रिपेयर आपको रखनी है करनी है. ठीक है और इसके अलावा जो आपका जो शीड है वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. ओके तो ये हो गए अपने स्टेप्स. नेक्स्ट देन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द इरीगेशन. आपको बताना है कि इरीगेशन क्या होता है. ठीक है डिस्क्राइब द मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन. और इरीगेशन के जो मॉडर्न मेथड हैं उनको आपको क्या करना है डिस्क्राइब करना है. ओके देन वी डिस्कस अबाउट इरीगेशन. इरीगेशन अब अपने को सबसे पहले देखना है कि इरीगेशन होता क्या है. इट इज द प्रोसेस दैट इरीगेशन इज द प्रोसेस दैट सप्लाइंग वाटर. ओके इरीगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं वाटर सप्लाई करते हैं टू प्लांट्स. प्लांट्स को अपन क्या करते हैं वाटर सप्लाई करते हैं. फिर इसमें पूछा है अपने को मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. ओके मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन तो जो स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन फॉर बेटर सप्लाई ऑफ वाटर. तो जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और स्प्रिंकलर सिस्टम है उससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं जो प्लांट है उनको बेटर सप्लाई कर सकते हैं वो वाटर की. ओके देन फर्स्ट वी टॉक अबाउट स्प्रिंकलर सिस्टम. जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो क्या है. ठीक है स्प्रिंकलर सिस्टम द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन. ठीक है इसमें क्या होती है एक तो मेन पाइपलाइन होती है और इसमें जो छोटी छोटी जो पाइप्स है वो परपेंडिकुलर ऐसे स्ट्रेट रहती है और इनका ये जो टॉप होता है उस पर क्या होता है नोजल्स लगे हुए होते हैं और ये जो नोजल्स होते हैं वो क्या होते हैं रोटेटिंग होते हैं घूमने वाले होते हैं. ठीक है तो ये क्या होता है कि इन पाइपलाइन से जिस जो वाटर है वो मेन पाइपलाइन से आता है और इन नोजल्स के थ्रू क्या करता है रेगुलर इंटरवल से वो क्या करता है क्रॉप में पानी डालता रहता है. ये क्या रोटेट होते रहते हैं ये तो जो क्रॉप है अपनी उसमें इक्वल वाटर चला जाता है पूरे में. ठीक है नेक्स्ट ड्रिप इरीगेशन सिस्टम. तो ये जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है इसमें इन दिस वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप. ये जो इरीगेशन सिस्टम है इसमें क्या होता है जो वाटर है वो क्या करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट में जाता है जस्ट एट द पोजीशन ऑफ रूट्स. और ये जो ड्रॉप्स है वाटर की वो कहाँ जाती है जो प्लांट की रूट्स हैं उनमें जहाँ उनकी पोजीशन होती है जहाँ पे प्लांट की रूट होती है वहीं पे वाटर की जो ड्रॉप है वो
प्लांट को मिलती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो वाटर है वो भी वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक एज इट, ये क्या है, एक बेस्ट टेक्निक है। और ये बेस्ट टेक्निक है क्यों, प्रोवाइड वाटर डायरेक्टली टू रूट ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो डायरेक्टली प्लांट को मिलता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलता है। तो जो पानी है वो भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, अपना वाटर वेस्ट नहीं होता, तो ये क्या करता है, वाटर को सेव करता है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ए फार्मर, जो फार्मर है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करता है ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, ठीक है, जब वो एग्रीकल्चर करता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमको फेस करता है, ओके। देन वी आर डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर ड्यूरिंग प्रैक्टिसेज ऑफ एग्रीकल्चर, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है फार्मर को, प्रॉब्लम फेस बाय फार्मर ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज के टाइम पे जो फार्मर है उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी इन हार्वेस्टिंग, जो क्रॉप है उनको हार्वेस्ट करने में डिफिकल्टीज होती है उसको, डिफिकल्टी इन सप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स है क्रॉप के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स है उनको सप्लाई करने में उसको प्रॉब्लम होती है, कैन स्प्रीड पेस्ट, और क्या होता है कि जो पेस्ट है उनको स्प्रीड करने में प्रॉब्लम होती है, कैन लोअर द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, और ये क्या करते हैं कि ये जो पेस्ट हैं, पेस्ट के फैलने की इनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, और ये जो पेस्ट हैं वो क्या करते हैं, क्रॉप की जो क्वालिटी है उसको लो कर देते हैं फॉर बेटर रिजल्ट। और अपन देखो इन सारी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट के लिए क्या कर सकते हैं, तो अपने पास हैं, इट इज़ कवर्ड इन टू इंटरक्रॉपिंग, दैट इज ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट की जो स्पेलिंग है वो आपको सही करनी है, डी आई डबल एफ ई आर ई एन डी होगा ये, ओके, डिफरेंट डी आई डब्ल्यू एफ ई आर ई एन डी, ठीक है, इसमें ई और आएगा, तो ये हो गया डिफरेंट क्रॉप्स इन डेफिनेट पैटर्न, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, ओके। इसका मीन क्या हुआ, जो लेन है वो अपनी एक रहेगी और उसमें अपन जो क्रॉप्स हैं वो अलग अलग क्रॉप्स उसमें अपन एक ही लैंड के अंदर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, अपने को क्या एक्सप्लेन करना है, जो दिए हुए उनको एक्सप्लेन करना है, विनोविंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग क्या होता है और टिलिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट हार्वेस्टिंग, सॉरी विनोविंग, सबसे पहले अपन बात करेंगे विनोविंग के बारे में, द प्रोसेस सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड, ठीक है। क्या होता है, अपने पास क्या होता है कि हैवियर और लाइटर सिस्टम से जो थे कंपोनेंट्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है, और ये अपन इन इस मिक्सचर से क्या करते हैं, विंड के थ्रू इनको सेपरेट कर लेते हैं और बाय ब्लोइंग एयर, ठीक है, या फिर ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोविंग, और एयर से इस तरह जो इन हैवियर और लाइटर मिक्सर हैं उनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, विनोइंग। दिस मेथड इज यूज्ड बाय फार्मर, और ये जो मेथड है वो फार्मर के द्वारा यूज किया जाता है टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर शीट ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो हैवियर शीट से अपन क्या कर लेते हैं, सीड के जो ग्रेन है उसके हैवियर शीट होते हैं उनसे सेपरेट कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट टीलिंग, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट हो क्या है, टीलिंग। तो टीलिंग की प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल, सोइल को लूज करना और टर्न करने की जो प्रोसेस है वो क्या है, टीलिंग इज कॉल्ड टीलिंग, ये क्या है, टीलिंग है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टीलिंग, सोइल है उसको लूज करने की और टर्निंग करने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलेंगे, टीलिंग। नेक्स्ट पॉइंट अपना हार्वेस्टिंग,
Okay, next we talk about harvesting. The harvest is the time when you reap what you sow. ठीक है, हार्वेस्टिंग जो है वो ऐसा टाइम है जहाँ पे जो आपकी क्रॉप है वो क्या हो जाती है, रीप हो जाती है, पक जाती है. ठीक है, जो क्रॉप आपने शो की है, उगाई है, वो क्रॉप क्या हो जाएगी, पक जाएगी. वो पकने की जो प्रोसेस है वो क्या हो गई, क्रॉप के राइपनिंग के बाद जब आप उसको काटते हो, फील्ड से अलग करते हो, तो वो जो प्रोसेस हो गई वो क्या हो गई, हार्वेस्टिंग. एज ए वेट टू हार्वेस्ट समथिंग मीन्स दैट यू पिक और गैदर इट. यू माइट हार्वेस्ट योर स्वीट कॉर्न लेट इन द समर. ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आप क्या कर रहे हो, पिक कर रहे हो या फिर उसको गैदर कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, आप उसको उठा रहे हो और इकट्ठा कर रहे हो. ठीक है, जैसे स्वीट कॉर्न है, समर में क्या होता है, कलेक्ट किया जाता है उसको. एज ए नाउन हार्वेस्ट मीन्स द टाइम ऑफ ईयर. जो हार्वेस्ट है वो ऐसा टाइम है ईयर का जब क्या करते हो, क्रॉप आर राइप एंड रेडी टू बी गैदर्ड. जब क्या होती है, आपकी जो क्रॉप है वो क्या हो जाती है, पक जाती है और रेडी टू बी गैदर्ड. आप उसको इकट्ठा कर सकते हो, बैग्स में पैक कर सकते हो. ओके, then we talk about fill in the blanks. groundnut crop, जो groundnut crop है वो कौन सी crop है, रबी होगी, खरीफ होगी या जैद होगी. तो ये जो crop है वो कौन सी crop है, खरीफ crop है. क्या, groundnut. तो groundnut जो crop है वो कौन सी crop है, खरीफ crop है. manure increases production efficiency. जो manure है वो क्या करते हैं, production efficiency है soil की, उसको increase करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मॉडर्न मेथड टैक्स लेस टाइम टू इरीगेट. जो मॉडर्न मेथड है वो क्या करते हैं कि जो लार्ज एरिया होता है उसमें भी वो क्या करते हैं, लेस टाइम में ही उस क्रॉप को इरीगेट करते हैं, उस क्रॉप में पानी डालते हैं. इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन सीड फ्रॉम द चाप. जो चाप है अपना, उससे जो सीड ग्रेन्स होते हैं उनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस है वो क्या है अपनी, थ्रेसिंग. द केटल विच गिव अस मिल्क इज कॉल्ड. जो केटल अपने को मिल्क देते हैं, ठीक है, जो केटल अपने को क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, उन केटल्स को क्या कहेंगे अपन, मिल्च एनिमल्स. पार्थेनियम इज, जो पार्थेनियम है वो एक वीड का नेम है. क्रॉप आर ग्रोन इन विंटर. विंटर में कौन सी क्रॉप ग्रोन की जाती है, रबी क्रॉप है वो ग्रोन की जाती है. नेक्स्ट, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ट्रू और फॉल्स. अपने को इसमें बताना है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा. सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वेरी बिग प्लेसेस आर कॉल्ड क्रॉप. अपने को पता है कि जो ह्यूज फील्ड है, ठीक है, बिग प्लेसेस है अपने पास में, वहाँ अपन क्या कर रहे हैं, सेम टाइप का जो प्लांट है उसको ग्रो करेंगे, तो वो क्या होगी, क्रॉप ही कहेंगे उसको. तो ये क्या हो गया, ट्रू. जैड क्रॉप कैन बी ग्रोन इन द टाइम पीरियड ऑफ अक्टूबर टू फेब. अक्टूबर से फेब का जो टाइम पीरियड है उसमें कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, जैद. तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जैद क्रॉप है वो अक्टूबर से फेब में के बीच में ग्रो अप नहीं की जाती, तो ये इसका ग्रोन पीरियड नहीं है. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्लग. प्लग की हेल्प से सॉइल को लूज करना और टर्न करने की जो प्रोसेस है वो वीडिंग नहीं होती है, वो क्या होती है, प्लगिंग होती है. तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स. मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. जो मैन्योर है वो क्या करते हैं, सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं, तो ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं. तो ये क्या हो गया, ट्रू. कैटल यूज फॉर टिलिंग एंड कार्टिंग इज कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स. ऐसे एनिमल जो अपने वर्क करने में हेल्प करते हैं, तो उन एनिमल्स को क्या कहेंगे अपन, ड्रॉट एनिमल. तो ये क्या हो गया, ट्रू. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. इसमें देखो, एक कॉलम अपने पास ए है, एक कॉलम बी है. स्प्रिंकलर सिस्टम, इसे क्या करते हैं अपन,
ये क्या हो जाएगा इफेक्टिव ऑन अन इवन लैंड. जो अन इवन लैंड है इसमें इफेक्टिव होता है. ड्रिप सिस्टम है वो क्या करता है, वाटर इज नॉट वेस्ट, उसमें वाटर वेस्ट नहीं होता. और जो वीडिंग है वो क्या होती है, अनवांटेड प्लांट्स उनको रिमूव करने में हेल्प करती है. ट्रेडिशनल मेथड जो है वो क्या है, चेन पंप हो गया. और जो वाटर लॉगिंग की जो प्रोसेस है, मतलब वाटर लॉगिंग कब हो जाता है, जब अपन अपनी जो क्रॉप है उसको बहुत ज़्यादा इरीगेट कर देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, ठीक है. तो क्या हो जाता है, एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर की सप्लाई क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है क्रॉप के अंदर. तब जो क्रॉप है उसकी कंडीशन कैसी हो जाती है, वाटर लॉगिंग की हो जाती है. उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, वाटर लॉगिंग. नाउ आवर चैप्टर एंड इट्स एक्सरसाइज हैज कंप्लीटेड. ओके देन इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू, सी यू टुमारो.